Good morning, children. Welcome once again online class. पुनः आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आज के इस ऑनलाइन क्लास में. चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी मैसेज देना चाहूंगा. आज जो पेंडेमिक सिचुएशन बना हुआ है, दिन पर दिन क्रिएटिव प्रॉब्लम होते जा रहा है, डे टू डे इंक्रीज हो रहा है ये सारे पेशेंट्स जो कि कोविड 19 के हैं. सरकार के द्वारा, हमारे चिकित्सकों के द्वारा, हमारे जो वेल विशर्स हैं उनके द्वारा बहुत सारे जो प्रिकॉशंस हमें बताए जा रहे हैं, तो इन सब पर ध्यान देकर ही हम कोविड 19 जैसे बीमारियों से दूर रह सकते हैं और अफवाहों से बचे, खुद भी जागरूक रहे, दूसरों को भी जागरूक रहे रखें. तो इन्हीं बातों से मैं प्रारंभ करना चाहूंगा आज का यह ऑनलाइन क्लास. तो चलिए आज का यह ऑनलाइन क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं. जो कि आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है क्लास 8 के लिए. क्या चीज? क्लास 8 के लिए है यह. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट इज SST एंड द पोर्शन इज हिस्ट्री. चलिए, आप सभी बच्चे से आग्रह है कि आप हिस्ट्री के उन सारे कुछ कुछ चैप्टर्स को निकालें और चैप्टर निकाल करके देखें कि हाँ सोनू सर क्या पढ़ाने जा रहे हैं. क्योंकि आज मैं जो टॉपिक को डिटेल करने जा रहा हूं, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग. क्योंकि आपको अब समझ में आने वाला है कि हम लोग जिनके हाथों में लगभग 200 सालों तक गुलाम थे, आखिरकार ये गुलामी का क्या कारण था, आखिरकार वो कौन सी सारी चीजें थी जो हमें कमियां थी, और जिन कमियों के कारण उन यूरोपियन कंट्री ने हम पर राज किया. हमारे जैसे दो आंख, दो कान, एक मुंह, एक नाक वाले वो भी व्यक्ति थे. बट इन स्पाइट ऑफ दिस, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड दे बिकम ए पॉलिटिकल मास्टर ऑफ इंडिया. ये पॉलिटिकल मास्टर बन गए हमारे इंडिया के. आखिरकार कैसे? तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2. आप बुक को निकालें और बुक सामने रखें, बिकॉज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल द टॉपिक्स विल बी सेम अकॉर्डिंग टू योर बुक. एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल. कहने का मतलब यह है कि साम्राज्य विस्तारीकरण, अपने साम्राज्य का विस्तार, अपने रूल्स और रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करने का तरीका, ये सारी चीजें आखिरकार कैसे हुई इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. जैसा कि नाम से ही है, एक्सपेंशन. एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, बढ़ावा देना, है ना. विस्तार किसका? ब्रिटिश रूल का, अंग्रेजों का. आखिरकार कैसे हो? देखिए, फ्रॉम द एंशियंट टाइम वी नो वेरी वेल दैट इंडिया बिकम अ वेरी पॉपुलर इन एंशियंट टाइम बिकॉज अ लॉट्स ऑफ थिंग्स दे आर क्रिएटिंग डे बाय डे एंड न्यू चेंजिंग एंड दे हैव टू बी फोर्सली टू ऑल द कंट्रीज दे हैव टू बी कम इन इंडिया. डजंट मैटर दे केम एज अ फॉर्म ऑफ अ पिलग्रिम, दे केम एज अ फॉर्म ऑफ ट्रेडर्स. But we know very well that India became very popular on that time. And because of that,
all the European countries have to understand and reach on that stage, India will become a great country where we will establish because of some reasons. हम अच्छी तरह से जानते हैं, प्रारंभ से ही हमारा भारत एक विशाल देश रहा है और भारत प्रारंभ से ही व्यापारियों का केंद्र रहा है। कहने का मतलब यह है कि व्यापार जो हमारे भारत में पसरा, लिटरेरी सोर्सेज जो हमें महाभारत जैसे काव्य रामायण जैसे बुक जो चीजें यहां पे हुई, हमारे जो धीरे धीरे करके महावीर हुए, जैन तीर्थंकर हुए, फिर से सिद्धार्थ जैसे महात्मा हुए, जिनकी ज्ञान की प्राप्ति से इतनी ख्याति बढ़ी कि वो पूरे विश्व में पॉपुलर हो गए। आखिरकार कारण क्या था कि इंडिया जैसे धरती पे ये सारी चीजें हो रही थी? ये कारण था उन सारे यूरोपियन कंट्रीज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया, वो चाहे फाहियान के रूप में हो तब जो कि हर्षवर्धन के काल में आया था, ये सारे चीजें जो है उन लोगों को मजबूर कर रही थी। बट इट वॉज द मिडल ऑफ द 17th century वेन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैव स्टार्टेड। यह 17वीं शताब्दी का लगभग मिडिल एज था जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का प्रारंभ हो चुका था। एंड दैट टाइम बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, यू नो वेरी वेल दैट व्हाट आई मीन बाय द इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट इज अ काइंड ऑफ अ थिंग व्हेन आवर प्रोडक्टिविटीज बिकम अ मैसिव स्टेज विद द हेल्प ऑफ द मशीन। एक ऐसा स्टेज जो आपका उत्पादन लाखों की संख्या में हो जाए, हजारों की संख्या में हो जाए जब आप किसी मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो इनकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इनको अब मजबूर होना पड़ गया कि अपने यहां तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया लेकिन अब ये प्रोडक्ट को खपत कहां करें, वो ऐसा बाजार कहां मिलेगा जहां इन सारे चीजों को बेचा जा सके। तो धीरे धीरे करके बहुत सारे ऐसे इन्वेशंस हमारे यहां है, अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो सी रूट का धीरे धीरे खोज होने लगा, तो दो व्यक्ति सामने उभर के आए, आप लोग जैसे कि नाम जानते हुएगा, एक है वास्को डी गामा और एक है क्रिस्टोफर कोलंबस। तो वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस एक ऐसे व्यक्ति थे, सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो एक नाविक था, सेलर था। तो जब उसने यात्रा प्रारंभ की तो वो केप ऑफ गुड होते हुए वो इंडिया आने के बजाय वो अमेरिका चला गया, तो इससे नई दुनिया अमेरिका का पता चला। तो इस तरह से वह अमेरिका जाके पहुंचा और नई दुनिया अमेरिका का पता लगा कि वहां भी लाइफ संभव है, वहां भी लोग हैं, और लोगों को लगा कि इंडिया मिल गया। लेकिन वो इंडिया नहीं था। जब वास्को डी गामा साहब कालीकट पे आए तो वह दिन था, वह ईस्वी था 1498 का। 1498 में जब वास्को डी गामा यहां पहुंचे तो वास्को डी गामा के पहुंचने के बाद पता चला कि असली इंडिया ये है। तब उस अमेरिका के लोगों को रेड इंडियंस का नाम दे दिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इसी चीज को। आप लोग देखेंगे, सभी लोग कॉपी निकाल ले क्योंकि कॉपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जो लिखने जा रहा हूं आज, मैं सीरीज लिखूंगा,
सीरीज मतलब क्रम कि कैसे कैसे यूरोपियन कंट्रीज ट्रेडिंग करने के लिए हमारे यहां आई। चलिए सबसे पहले जो मैं लिखने जा रहा हूं वो ध्यान देंगे आप लोग, पोर्टुगीज है पोर्टुगीज हमारे यहां सबसे पहले आ गए। दूसरा जो आया वह था ब्रिटिश, तीसरा जो था वह था डच, चौथा जो था डेनिश और पांचवा था फ्रांसीसी, छठा था स्वीडिश। तो चलिए आप लोगों को बता दे कि सबसे पहले हमारे यहां जो आया था वो था पोर्टुगीज, फिर ब्रिटिश, फिर डच, देन डेनिश, देन फ्रांसीसी, देन स्वीडिश। ये क्रम बाय क्रम, ये सीरीज बाय सीरीज ये लोग हमारे यहां आते गए। आपको बता दे कि एक इंडियन मुगल रूलर, एक इंडियन मुगल रूलर जहांगीर के बारे में यहां दिया गया है, जहांगीर इन 1617 AD, एडी मतलब एनो डोमिनी, रोट ए लेटर टू किंग ऑफ इंग्लैंड। जहांगीर इन 1617 AD रोट ए लेटर टू द किंग ऑफ इंग्लैंड, या इंग्लैंड टू स्टार्ट ट्रेडिंग। थ्री है 1617 ईस्वी में जहांगीर साहब, जहांगीर कौन था भाई बताइए, आप लोग बता सकते हैं ना जहांगीर कौन था। सेवेंथ वाले बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ है बादशाह, है ना, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, सलीम का बचपन जो है, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था और सलीम जब तख्त पर बैठा तो उसका नाम जहांगीर से संबोधित किया गया। तो चलिए एक छोटा सा झलक पहले यहां पे देखना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे 1600 AD के बारे में। इन द ईयर ऑफ 1600 AD व्हेन एस्टेब्लिश हुआ था क्या चीज, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह एस्टैब्लिश हुआ और
इसका फीचर क्या हुआ सो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक फीचर बता दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, एलिजाबेथ वहां की रानी, और उनका क्या एक चार्टर था वो देख लीजिएगा कि नो वन कंपनी वुड बी कॉम्पिटेड विथ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंग्लैंड। उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फीचर यह है कि बता दें कि 1600 ईस्वी में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ और क्वीन एलिजाबेथ थी, और एलिजाबेथ के चार्टर के मुताबिक यह बताया गया कि कोई दूसरी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध नहीं जाएगी, और जो एशिया है एशिया में इंडिया में कोई कंपनी ट्रेड नहीं करेगी। ये क्वीन एलिजाबेथ का हलफनामा था, एक चार्टर था जो कि दिया गया। चलिए तो आएंगे और कहीं ना कहीं से अब जहांगीर साहब की बारी आती है। तो जहांगीर ने सोलह सौ सत्रह ईस्वी में एक पत्र लिखा और एक न्योता भेजा। इट इज ए काइंड ऑफ इन्विटेशन दैट टू बी इनिशिएट ट्रेडिंग इन इंडिया। यह एक तरफ का पत्र था अपने व्यापार को इनिशिएट करने के लिए कि आप हमारे यहां आइए और फ्री ऑफ टैक्स, आप पर कोई कर नहीं लगाएगा, आप हमारे में हमारे भारत में वैसे जगह, नॉट होल कंट्री, भारत में जहां मुगल साम्राज्य है और मुगल साम्राज्य का जितना जो बॉर्डर है आप बॉर्डर्स तक आप ट्रेड कर सकते हो, और ट्रेडिंग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टैक्स नहीं लगेगा उस पर। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जब बढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा, ये टॉपिक तो क्लियर हो ही गया होगा आपका, चलिए सबसे पहले जो हमारा सेकंड आज का जो टॉपिक है वो है मर्केंटलिज्म। आखिरकार ये वर्ड है क्या? देखिए कुछ कुछ फीचर्स आपको मैं बता दे रहा हूं इसके बारे में, आप देखिए। दिस वाज बिकम वेरी पॉपुलर बिटवीन बिटवीन 1600 टू 1800 AD। आपको बता दें कि यह मर्केंटलिज्म एक फीचर के बारे में बात किया जाए। देखिए इट वॉज ए काइंड ऑफ ए आइडियोलॉजी
And on the basis of that ideology or many types of European countries that came in India, and in the ancient period, in the ancient time, they came to India with only one view, and that was only for trading and to control over that tradings. But after that, day by day the time was being passed and they understand the integral matters as a political matters of India, and they understand the all political things, and that was created by the small kingdoms of the India. मैटरियलिज्म वह एक आइडियोलॉजी था जो कि यूरोपियन कंट्रीज ने हमारे यहाँ ट्रेडिंग करने के लिए प्रारंभ किया था, और प्रारंभ में इनकी जो व्यू था, इनका जो एक एम था, वह सिर्फ ट्रेडिंग करना था हमारे भारत में, और भारत में ट्रेडिंग करके वहां की धीरे धीरे राजनीतिक चीजों को भी वो लोग जानने लगे थे, समझने लगे जो कि चीजें थी कि उन लोगों में लैक ऑफ यूनिटी था, और इसी लैक ऑफ यूनिटी के कारण उनको यह मौका मिल गया था। चलिए आइए देखिए कुछ कुछ फीचर्स आज मैं बताने जा रहा हूं क्या है। अब इसका व्यू क्या है, ठीक है, मैंने जो बात किया अभी, द ट्रेडिंग कंपनी used to buy and sell their goods in the European market at high ये ट्रेडिंग कंपनी जो है प्रारंभ में इनकी जो चीजें थी वो क्या थी कि प्रारंभ में ये सभी सारी चीजें उन लोगों को ये समझ में आई कि ये चीज हम लोग यहां से खरीदेंगे, जिनका मांग जो था, डिमांडिंग जो था, वो यूरोपियन कंट्री में जाया था, उनको हायर रेट पर जो है वो बेचा जाता था। तो हायर रेट पर बेचने के कारण इनके डिमांड्स ज्यादा थे। तो इनके डिमांड भाई क्या क्या थे आज हम देखते हैं। डिमांड में था डिमांडेड गुड्स कौन कौन थे भाई, स्पाइसेस, सिल्क, टेक्सटाइल, इंडिगो, है ना, और एक था सल्ट पिट्रा जो कि गन पाउडर बनाने में, गन पाउडर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। तो समझ में आया आपको कि मैटरियलिज्म एक प्रकार का आइडियोलॉजी था जिसके कारण सभी यूरोपियन कंट्रीज को आने पर यहां मजबूर होना पड़ा, और प्रारंभ में उनकी जो स्थिति थी, प्रारंभ में उनका जो व्यू था, उनका गोल था भारत के व्यापार पर अपना अधिकार करना और यहां व्यापार करना, अपने चीजों को यहां से उठाकर ले जाना यूरोपियन कंट्रीज के मार्केट में बेचना, और वो भी हाई रेट। चलिए अब एक और एक वर्ड आया है, आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और एक और एक वर्ड है यहां जो इसमें आपको दिया है, आप बुक में देख सकते हो दिया होगा, वो क्या है, ट्रेड रिवेन्यू।
ट्रेड है ना। सबसे बड़ा चीज मैंने आपको बताया कि सारे जो यूरोपियन कंट्रीज थे भी आपस में जो यहां पे कैसे जो कंपनीज जो आई वो आपस में कंपटीशन करने लग गए, और इसी कंपटीशन की जो वजह है तो कंपटीशन की जो वजह हो जाएगी तो कौन ज्यादा प्रॉफिट गेन कर रहा है, तो जो ज्यादा प्रॉफिट गेन करेगा ज्यादा धनी होगा, तो सब में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्शन पैदा होगा कि नहीं होगा, विरोध पैदा होगा कि नहीं होगा, कंपटीशन की भावना पैदा होगी कि नहीं होगी। तो बिकॉज ऑफ दैट उसी को देखिए क्लियर करने के लिए देखते हैं ट्रेड रिबेलियन द स्क्रैम्बल फॉर कॉलोनीज लेड टू मेनी वॉर्स एमोंग द यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत वार हुआ इन बिटवीन 17th to 18th century इन कॉलोनीज में, इन यूरोपियन कंट्रीज की कॉलोनीज को बढ़ाने के लिए, कॉलोनीज का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो बता दे, कॉलोनीज का मतलब होता है वह राष्ट्र जिस राष्ट्र में एक बड़े राष्ट्र के द्वारा ट्रेडिंग किया जाता है, व्यापार किया जाता है, और कुछ पार्शियली कुछ अंशतः अपने नियमों को उस पर थोपा जाता है ट्रेडिंग के माध्यम से, वही हमारा कॉलोनीज कहलाता है। तो ये वार्स हुए आपका मेनी वार्स अमंग द यूरोपियन कंट्रीज इन बिटवीन 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में बहुत सारा लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, वही लड़ाई और झगड़ा जो है वह सभी चीजों का यह केंद्र बना। और इसी के साथ आज का क्लास ये खत्म होता है, मैं इसको तीन पार्ट में करूंगा। ये हमारा पार्ट वन था बबुआ स्टूडेंट लिसन, ये पार्ट वन था जो कि हिस्ट्री का था, और नेक्स्ट चैप्टर में मैं कोशिश करूंगा कि और भी ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करूं, और कुछ समझ में ना आए मेरा राइटिंग हो या मेरा लैंग्वेज हो, अगर कोई समझ में ना आए तो कृपया मुझे कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट के द्वारा मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरा क्लास सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सो प्लीज इट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट दैट माय स्टूडेंट मस्ट बी कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स इन देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा में अपने को कमेंट कीजिए, मुझको कमेंट कीजिए कि ये सभी चीजें आपको समझ में आए कि नहीं आए। आज का हिस्ट्री का पार्ट यहीं समाप्त करता हूं, जो कि आपके हिस्ट्री का जो चैप्टर था वो था चैप्टर टू, और चैप्टर टू में एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल था। चलिए ज्यादा टाइम को नहीं लेते हुए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करता हूं कि आपको सभी चीजें समझ में आई होंगी, और नहीं समझ में आए आप इसको कमेंट करें। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, और अपने आप को सुरक्षित रहें, और दूसरों से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश करिए। तब तक के लिए जय हिंद, और सेफ रहें घर पे।
that.